मुरादाबाद कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने DIOS कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार की नीतियों को गलत बताया और GNET परीक्षा को रद्द करने को लेकर DIOS के माध्यम से मानव संस्थान विकास मंत्री को एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, छात्र व अभिभावकों के तमाम विरोध के बावजूद भारत सरकार कोरोना संक्रमण को मनमाने तरीके से नजरअंदाज करती जा रही है। भारत सरकार द्वारा GNET की परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको रद्द करने को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन दिया गया है। करीबन 25 लाख छात्र आज उनके भविष्य का, जीवन का के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने आज हम लोगों ने प्रदर्शन के रूप में ज्ञापन दिया। आप ये बताइए कि अगर छात्र को कोरोना पॉजिटिव होता है तो सरकार उसके लिए क्या करेगी, उसका जो भी उसका इलाज है वो कौन करेगा? अगर छात्र के लिए असम या सिलीगुड़ी के लिए अगर आ जाए तो छात्र असम सिलीगुड़ी कैसे जाएगा? अगर छात्र के लिए ये आ जाए जम्मू और कश्मीर जाना है तो वो जम्मू कश्मीर कैसे जाएगा? ये सरकार सिर्फ सरकारों को गिर सकती है, चाहे वो उसमें कोरोना हो, और छात्रों का भविष्य नहीं देख रहे। छात्रों का क्या, किसानों का भविष्य यूरिया के अंदर ब्लैक माली। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं छात्र संघ को, मैं धन्यवाद देता हूं यूथ को जिन्होंने आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया। अगर मांगे पूरी नहीं होगी आगे, मांगे पूरी नहीं होंगी, जहां पर आप हमारी बाइट ले रहे हैं यहीं पर बैठेंगे इसी और इसी जगह पर बैठेंगे। अब हम चुप होने वाले नहीं, हमारा एक ही नारा है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है।